फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज के अपने इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं एक स्पेशल क्लैंप के बारे में। इस क्लैंप का क्या रोल है सोलर इंडस्ट्री में वो हम सीखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोलर प्लांट्स जब हम लगा देते हैं तो जनरेशन ड्रॉप होना शुरू कर जाता है, और जनरेशन किन किन रीजन्स की वजह से ड्रॉप करता है, और जनरेशन को इम्प्रूव करने में इन क्लैंप्स को हम कैसे यूज़ करके अपने प्लांट की जनरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इन क्लैंप्स को यूज़ करना है, किस पर्पज से हम अपने इन क्लैंप्स को लगा रहे हैं, क्या पर्पज ये सॉल्व करेंगे, इससे बेनिफिट होने वाला है नहीं होने वाला है, या इन क्लैंप्स को यूज़ करने के बाद क्या वास्तव में हमारे प्लांट से जनरेशन इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सोलर पैनल्स के साथ प्रॉब्लम क्या आता है कि सोलर पैनल में जो डस्ट होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि धूल धक्कड़ है चारों तरफ पे, इधर भी सड़क है उधर भी सड़क है, तो जब ट्रैफिक होता है तो क्या होता है धूल उड़ के हमारे पैनल्स पे आके बैठ जाता है। सो पैनल को रोज़ क्लीन करना एक टीडियस जॉब है जो कि इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बारी। सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमने, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि डस्ट का एक लेयर जो है यहाँ पे नीचे साइड में आपको पूरा एक डस्ट दिख रहा होगा, एक्युमुलेशन डस्ट का। सो अब हो क्या रहा है कि जब इस पे डस्ट आता है और बारिश होती है या कोई भी क्लीन करता है इसको, तो पानी से क्या होता है डस्ट जो है वो इकट्ठा होकर नीचे वाले लेयर में, जिधर भी स्लोप होगा, जैसे इस सेट पे इस तरफ स्लोप है तो क्या होगा डस्ट जो है वो इधर आके इस लोअर वाले पार्ट पे आके इकट्ठा हो जाता है। पानी में क्या होता है कि पानी इसके ऊपर से ओवरफ्लो करके पानी तो नीचे चला जाता है, बट डस्ट जो है वो भारी होता है तो वो क्या होता है नीचे बैठ जाता है मॉड्यूल्स में, और मॉड्यूल्स के नीचे वाले लेयर पे क्या होता है एक डस्ट जो है वो लाइन अपना फॉर्म कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे तो हर एक पैनल पे आपको लगभग दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी डस्ट का पूरा लेयर जमा हुआ है। सो ये क्या कर देता है, ये एक रीजन होता है हमारे सिस्टम में जनरेशन को लो कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सोलर पैनल्स जो होते हैं इनके जो सेल्स हैं ये आपस में सब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अब अगर यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, जनरेशन का पूरा स्ट्रिंग का जो है वो इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये जो 144 सेल्स का जो मॉड्यूल है इसमें 72 सेल्स ऊपर हैं, 72 सेल्स नीचे हैं। सो जो नीचे वाले इस तरीके जो सेल्स हैं ना ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो मैं अगर वैसे देखूँ तो ऊपर वाला जो 72 सेल्स का मॉड्यूल है वो तो बेटर परफॉर्म करेगा, बट नीचे वाला सेक्शन का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू टॉप वाले से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा डस्ट पूरा इकट्ठा हो गया है। अब इस डस्ट की वजह से यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, एक जनरेशन का लॉस देखने को मिलेगा। सो अभी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ क्लीन करने के बाद भी, इसको थोड़ा सा जूम इन करिए। सो जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो फोटो में, मुझे नहीं पता है कि इतना क्लियर होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेल का जो है ना कलर भी चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक, ये पूरा कलर चेंज हो चुका है। सो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये डस्ट क्या कर देगा, यहाँ पे इकट्ठा जो हुआ है ये एक हॉट स्पॉट फॉर्म करना शुरू कर देगा। ये देखिए अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये पूरा लेयर पूरा अलग तरीके का कलर ही हो गया यहाँ पे। सो कंटिन्यूसली यहाँ पे डस्ट होने से क्या हो रहा है कि हीट भी यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, जहाँ पे हमारा डस्ट इकट्ठा नहीं हुआ है तो हीट भी ज़्यादा है और यहाँ पे हॉट स्पॉट भी फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो अभी हमारा पर्पस क्या है कि हम किसी भी तरीके से कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि हमारा जो डस्ट इकट्ठा हो रहा है लोअर वाले पार्ट पे उसको हम रिमूव कर देते हैं। सो ये क्लैंप वही काम करते हैं। इन क्लैंप्स को लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हम क्लीनिंग के टाइम पे पानी इसमें डालेंगे, ये क्लैंप्स क्या करेंगे पानी को इकट्ठा करके ड्रॉप कर देंगे नीचे की तरफ, तो कोई भी हमारा जो ये जो मिट्टी है जो जम रही है नीचे की तरफ उसको ये हेल्प करेगा हटाने में। सो देखते हैं कि किस तरीके से ये हेल्प करेगा। अभी हम वाटर टेस्टिंग भी करेंगे, हम पानी डालेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये वास्तव में क्लैंप्स काम कर रहे हैं, मिट्टी को ये हमारे रिमूव कर पाएंगे हमारे सिस्टम से या नहीं कर पाएंगे, चलिए वो देखते हैं। सो अब इन क्लैंप्स को हम अप्लाई कर देते हैं अपने मॉड्यूल्स के ऊपर। तो कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। ये क्लैंप आपको दिख रहा है, इस क्लैंप को कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे अपने मॉड्यूल्स पर। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैं यहाँ पे तीन क्लैंप्स लगा रहा हूँ, बेसिकली दो में भी काम हो सकता है। सो अभी यहाँ पे एक दो और तीन, पर्पज़ मेरा ये है कि मैं वहाँ से पानी डालूंगा और ये देखना है मुझे कि क्या पानी जो है पूरी तरीके से मेरे मॉड्यूल्स से निकल जा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि जब पानी यहाँ पर रुकता है आके तो ये क्या होता है डस्ट जो है वो नीचे बैठ जाता है, और पानी तो एक टाइम के बाद उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है, लेकिन ये डस्ट जो है वो पूरा का पूरा मॉड्यूल पे चिपका रहता है और हॉटस्पॉट बना रहा है। जनरेशन में भी हमें काफ़ी कम जनरेशन देखने को मिल रहा है। सो अब हम यहाँ पे पानी डालते हैं। सो पानी डालिए, ये देखिए आप देख पा रहे हो पानी आ रहा है। अब पानी क्लैंप्स मेरे कैसे हटाएगा उसको, ये देखने वाली बात है। तो देखते हैं क्या कैसे क्लैंप्स हमारे पूरे पानी को निकाल पा रहे हैं यहाँ से।
अब देखने वाली बात ये कि ये क्लैम्स क्या पूरी तरीके से पानी जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था उसको ये ड्रॉप करके क्या फर्श पे लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे वो देखना है अभी हम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लैम्प क्या कर रहा है, यहाँ का जो पानी है ना उसको नीचे लेके जा रहा है, ड्रॉप को, पानी के ड्रॉप को नीचे लेके जा रहा है। यहाँ पे ड्रॉप्स देख रहे हो आप कंटिन्यूसली यहाँ से आ रहा है, ऊपर का जितना भी पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पानी नीचे गिरा रहा है, यहाँ का जो भी इकट्ठा पानी हुआ है उसको एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है और वो यहाँ से क्या हो रहा है कि पानी पूरा मॉड्यूल का जितना भी है वो सब नीचे ला के ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में गिरा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी का कोई लेयर नहीं है, ऐसा मॉड्यूल गीला है, पानी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो पानी नहीं है, मॉड्यूल गीला है। इट मीन्स कि जो मिट्टी यहाँ पे थी, मिट्टी जो है वो पानी और मिट्टी जो है वो पूरा इसके सहारे क्या हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया सरफेस पे। सो यहाँ पे ये वाला पूरा पानी जो है मॉड्यूल के पूरे कॉर्नर पे भरा पड़ा है पानी, अभी देखो पूरा पानी भरा पड़ा है। अब हम देखते हैं कि क्लैंप लगाने से क्या पानी हमारा चला जाएगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ये देखिए लाइव डेमो, प्रॉपर यहाँ पे पानी जो है निकल रहा है। अब इसका फ़ायदा यही है कि पानी जब यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा तो जो डस्ट इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, ये डस्ट नहीं इकट्ठा होगा। अब यहाँ पे देखो पानी नहीं है, पहले पानी था, अब यहाँ पे पानी नहीं है। सो इससे ये तो समझ आ रहा है कि क्लैंप जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्लैंप का जो पर्पज़ है वो सॉल्व कर रहा है, अपना काम कर रहा है वो। जब भी पानी इकट्ठा हो रहा था जिसकी वजह से आपको यहाँ पे डस्ट इकट्ठा हो रहा था, सो वो नहीं होगा अगर इस तरीके के क्लैंप्स हम लगाते हैं तो। सो जैसा कि आपने देखा कि जो क्लैंप हमने यूज़ किया है उसका जो पर्पज़ हमने रखा था कि पानी को हमारे मॉड्यूल से पूरी तरीके से हटा के फर्श पर डाल दे, तो वो सेम चीज़ कर रहा है। जब भी पानी हमने इधर डाला है वो पूरा का पूरा पानी जो है वो क्लैंप से लेके नीचे हमारे जो भी सरफेस है, जैसे रूफटॉप पे आप लगा रहे हैं तो रूफ पे गिरेगा आके, अभी ये टीन सेट है तो पूरा का पूरा पानी इसने क्या कर दिया, टीन सेट पर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे जो मिट्टी जमने के जो चांसेस थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए, क्योंकि मिट्टी इसलिए जम रहा था क्योंकि वो जो पानी था वो प्रॉपरली हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे सोलर पैनल से, और मिट्टी भारी होने की वजह से नीचे के कॉर्नर्स में मिट्टी जम रही थी और पानी एक टाइम के बाद क्या हो रहा था, वॉश पर बन जा रहा था, या पानी एक टाइम के बाद उड़ जा रहा था और मिट्टी वहीं के वहीं जम रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी ही वो हटा दे रहा है पूरी तरीके से। सो पानी के साथ मिट्टी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हट जाएंगे हमारे सोलर पैनल से और मेरा सोलर पैनल जो है प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।